दोस्तों, ईगुल चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे हैवेल्स डिजी प्लस अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर का। डेमो और रिव्यू के साथ साथ में हम लाइव इस वीडियो के अंदर पीएच लेवल भी चेक करेंगे, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर है तो पीएच लेवल मैटर करता है, तो लाइव इस वीडियो में हम पीएच लेवल भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बॉक्स और हैवेल्स का यहाँ पे ब्रांड नेम है हैवेल्स वाटर प्यूरिफायर्स। और कुछ ऐसी हमारी यूनिट रहेगी डिजी प्लस अल्कलाइन, इसका मॉडल नेम हो गया। इस प्रोडक्ट का MRP 23,499 रुपए है, लेकिन आपको अप्रॉक्सी 20-21,000 रुपए तक आपको मार्केट या फिर ऑनलाइन आपको मिल सकता है। दोस्तों, हमेशा की तरह इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप इसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं हमारी मेन यूनिट। तो दोस्तों, ये है हमारी मेन यूनिट। और ब्लैक एंड ग्रीन कलर का जो आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये एक ही कलर कॉम्बिनेशन में आता है अभी तक। और ये सामने की तरफ यहाँ पे एक डिजिटल यहाँ पे एक पैनल भी दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली डिजिटली इंडिकेट कर रहा है तो ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस को। यहीं पर इसके पास में एक इंडिकेटर होता है जो टैंक फुल को इंडिकेट करता है। ये फिल्टर्स की लाइफ को इंडिकेट करेगा, ये टेक्निकली अगर इसमें कोई एरर रहेगी तो उसको इंडिकेट करेगा, और ये यूवी लैंप को इंडिकेट करता है। यहाँ पे इसमें एक जॉग डायल दिया हुआ है, मतलब कि अगर पानी अगर अपने को लेना है तो टैप नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे जॉग डायल दिया हुआ है। और यहाँ पे इसमें लाइट भी दी हुई जो रात को जब जलता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो जो इसका हाइट है वो है लगभग 19 इंच, विड्थ है इसका लगभग 14 इंच, और जो डेप्थ है वो है 9 इंच। थोड़ा सा बड़ा साइज का ही आरओ वाटर प्यूरिफायर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसी भी वाटर प्यूरिफायर में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है वो होती है उसकी वाटर की क्वालिटी, और वो होता है उसके वो डिपेंड करता है उसके वाटर प्यूरिफिकेशन स्टेजेस के ऊपर। हैवेल्स डिजी प्लस अल्कलाइन एक 8 स्टेज वाटर प्यूरिफायर है, जिसको कि हम इन 8 स्टेज को हम थोड़ा सा आगे ब्रीफ करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। जो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस एनहेंसर, जिसका काम होता है आरओ के ऊपर से स्केलिंग को हटाना या आरओ को स्केलिंग से बचाना, जिससे कि आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वाटर प्यूरिफायर का। दूसरी स्टेज होती है सेडिमेंट कार्ट्रिज, जो पानी के अंदर से जो बड़ी जो अशुद्धि होती है जैसे धूल क्ले मिट्टी आदि को हटाती है, जिससे कि जो आगे के जो फिल्टर्स होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तीसरी स्टेज इसके अंदर दी हुई है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो कि पानी के अंदर जो घुलनशील अशुद्धि है जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, और साथ ही साथ एक्सेस क्लोरीन को भी ये तीसरी स्टेज से रिमूव कर देता है। अब आती है चौथी स्टेज होती है आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो पानी के अंदर से जो हैवी मेटल्स होती हैं लाइक लीड मरकरी आर्सेनिक फ्लोराइड आयरन और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स को भी ये रिमूव करता है, और यहाँ से जो हमें जो पानी मिलता है वो काफी हद तक प्योर होता है, हेल्थी थोड़ा काम होता है। हैवेल्स डिजी प्लस अल्कलाइन में जो 5वीं और जो 6ठी स्टेज है उसको ये बोलते हैं अल्कलाइन मिनरल्स और टेस्ट एनहेंसर स्टेज। बेसिकली इस स्टेज के अंदर आपके जो पानी जो आरओ मेम्ब्रेन से जो पानी आया हुआ होता है उसके अंदर ये एसेंशियल मिनरल्स जो नेचुरली जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, ताकि पानी का पीएच लेवल भी बढ़ जाए और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ये इस स्टेज भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पानी का पीएच लेवल भी इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों, 6 स्टेज होगी। 7वीं स्टेज आती है यूवी स्टेज, अल्ट्रावायलेट स्टेज, जहाँ पे पानी के अंदर से जो बैक्टीरिया वायरसेस यीस्ट या फिर जो माइक्रोबायोलॉजिकल इंप्योरिटीज होती है उसको ये डिसइंफेक्ट करने का काम करता है। 8वीं स्टेज आती है रिवाइटलाइजर कार्ट्रिज। बेसिकली इतनी सारी स्टेजेस और इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद में पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो वो टूट जाते हैं। ये जो स्टेज है ये उनको बांधने का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी उसको उस पानी के मॉलिक्यूल्स को पानी के गुणों को बेटर एब्जॉर्ब कर सके, बेटर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों, किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन स्टेजेस के साथ साथ में ही उसके वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और स्पेशली हैवेल्स डिजी प्लस अल्कलाइन इस मामले में भीड़ सर अलग है। क्योंकि इसके अंदर से हर एक बूंद, आप स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हर एक बूंद हर एक फिल्टर से क्रॉस होता है, जबकि जो दूसरे जो कई जो कंपनियां होती है वो क्या करती है कि पानी को TDS रेगुलेटर लगाकर और थोड़ा सा पानी उसमें बाईपास करती है। आप सामने स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें जो दूसरे जो कंपनियां होती है जो नीचे की तरफ आप जो चार्ट है, थोड़े से पानी को यूअप से क्रॉस करती है, लेकिन आरओ जो मेम्ब्रेन होती है वही एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो पानी के अंदर से लीड मरकरी आर्सेनिक जो हैवी मेटल्स होती है उनको रिमूव करती है। तो जो पानी बाईपास हो रहा है उसके अंदर जो अगर हैवी मेटल्स गई हैं
तो वो आपका जो बाद में जो आपको प्योरीफाइड मिलेगा वाटर मिलेगा उसके अंदर भी वो रहेंगी, तो आपको 100% सेफ वाटर प्योरीफायर नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है मैंने जो ये समझाने की कोशिश की शायद आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव रहता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने इसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी समझा। बेसिकली 100% वाटर जो है हेवल्स डिजी प्लस अल्कलाइन का वो आपका आरओ मेम्ब्रेन और यूवी के थ्रू पास होता है। सबसे खास बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपका पीएच लेवल भी मेंटेन होता है। हेवल्स डिजी प्लस अल्कलाइन में ये लोग कमिट करते हैं कि आपको लगभग 8 से ऊपर का ही आपको पीएच लेवल मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट पीएच लेवल होता है। साथ ही साथ ये पानी का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको भी ये बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं, मतलब उसको ओआरपी लेवल बोलते हैं। वो भी ये कहते हैं कि लगभग -200 से -400 तक इसके अंदर मेंटेन रहता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने शुरुआत में इस वीडियो में बताया था कि हम इस लाइव वीडियो के अंदर हम इसका पीएच लेवल भी चेक करेंगे, तो हमारे पास में वाटर यूनिट है ही और अब हम इसका पीएच लेवल भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों मेरे दोनों हाथों में एक ये खाली बाउल है और एक ये है पीएच नापने का एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। बेसिकली इसमें आप एक सामने देख सकते हो, यहाँ पे एक लिस्ट भी लगी हुई है जिसमें पीएच 11 से पीएच 4 मेजर करने के अलग अलग इसमें कलर दिए हुए हैं। बेसिकली हमें जिस हमें पानी का हमें पीएच लेवल मेजर करना होता है उसका हमें 10 ml पानी और 2 ml हमें ये लिक्विड डालना होता है, ताकि फिर जो पानी का जो कलर रहेगा वो हमें यहाँ से देखना होता है। जो कलर आता है वही वो उस पानी का पीएच लेवल होता है। तो हम हेवल्स डिजी प्लस अल्कलाइन का जो प्योरीफाइड वाटर है उसका हम पीएच लेवल मेजर कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ले लेता हूँ, उम्मीद है कि ये शायद 10 ml ही होगा क्योंकि लगभग उतना ही है। और अब मैं इसमें ये 2 बूंद ये डाल देता हूँ। तो ये आप जो पानी का अभी आप जो कलर देख रहे हैं, अगर मैं इस जो बॉटल के ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं उनके दिए हुए के हिसाब से अगर मैं मेज़र करूँ, आप भी गौर से देख सकते हैं, तो जो पीएच 9.5 है, पीएच 9.5 है, काफ़ी हद तक उसका इस पानी से ये कलर मैच हो रहा है। तो मैं एक दो ड्रॉप और भी डाल के देख लेता हूँ, शायद 2 ml से ये कम भी रहा हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 बूंद और भी ऐड की तो भी पीएच लेवल 9.5 के आसपास का ही इसका पानी आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं रिव्यू पार्ट का। बेसिकली हेवल्स डिजी प्लस अल्कलाइन एक क्योंकि एक अल्कलाइन वाटर प्योरीफायर है, तो हमने सबसे पहले चीज़ तो हमने पीएच लेवल चेक किया जो कि हमें 9.5 मिल रहा है, तो उस पर तो ये खरा उतरता है। साथ ही साथ ये टीडीएस को भी 85 से 90% तक रिमूव करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ओआरपी लेवल पानी का वो भी मेंटेन रखता है, जो कि ये कहते हैं कि लगभग -200 से -400 तक ये मेंटेन रखता है। और चौथी और सबसे खास बात ये है कि हेवल्स डिजी प्लस अल्कलाइन में जो मिनरल्स जो ऐड किए जाते हैं उनका ये ही कहना है कि वो भी नेचुरली मिनरल्स नेचुरल मिनरल्स ही होते हैं। बाकी सबके अंदर वो जो केमिकल्स ऐड करते हैं, जबकि इसके अंदर ये नेचुरल मिनरल्स को ऐड किया जाता है। हेवल्स डीजी प्लस अल्कलाइन की अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपको ये 19 से 20 हज़ार रुपये तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अल्कलाइन वाटर प्योरीफायर्स की जो प्राइस है वो आपको लगभग इसी प्राइस में आपको मिलेगी। मेंटेनेंस पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर हम एक बार ले आए तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार रख दिया तो बाद में 10 साल की गई, आपको हर 1 साल 2 साल में आपको इसकी सर्विस करानी होगी। हेवल्स आपको अलग अलग आपको लगभग 5 प्लान ऑफर करता है, जिनकी प्राइस 1050 से 5500 रुपये तक लगभग जाती है। जो 5500 रुपए वाला जो प्लान है उसमें ये सब कुछ कवर कर लेते हैं। कॉम्प्रेंसिव वारंटी होती है, विस्तारित होती है, कंप्लीट वारंटी मिल जाती है आपको 1 साल की। और जो 1050 वाला जो प्लान है उसमें आपको सर्विस फ्री मिलती है। इसी तरह अलग अलग इसमें बीच में 3 प्लान और भी होते हैं, उनमें से आपको जो सुटेबल हो आप वो चूज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस पार्ट भी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस रेंज के जितने भी और जो दूसरी कंपनियों के जो वाटर प्योरीफायर है उनका भी मेंटेनेंस लगभग इतना ही आता है। हेवल्स डीजी प्लस अल्कलाइन में ये लोग कमिट करते हैं कि आपको 8 pH से ऊपर का तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने मेजर किया तो ये 9.5 का ही आया है। और सबसे खास बात इसमें डबल यूवी प्योरीफिकेशन भी दिया हुआ है, मतलब कि जब अगर ये 4 घंटे तक अगर इसमें पानी स्टोर रहता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑन हो जाता है और उसके अंदर से यूवी को एक बार वापस उसके सारा पानी यूवी के अंदर से पास होता है। तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस अगर एक्टिवेट हो गए होंगे तो वो उनको दोबारा डीएक्टिवेट करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो भी हमें नीचे जरूर बताइएगा, और उसका बेस्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।